भारतीय जनता पार्टी को जिला जलंधर विधानसभा हलका फिलौर विचों उस समय भरवां हुंगारा मिलिया जदों रणजीत पवार हलका इंचार्ज की अगवाई हेठ आम आदमी पार्टी कांग्रेस अते श्रोमणी अकाली दल बादल दे नौजवान आपो अपनी पार्टी नूं अलविदा कह के भाजपा भी शामिल हो गए। इस मौके केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश कैंथ अते जिला जलंधर देहाती दे प्रधान अमरजीत अमरी ने संबोधन करदिया कहा कि देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते भाजपा पार्टी दीआं नीतियां नूं वेखदे होए सियासी पार्टियां दे आगू ते वर्कर आपो अपनी पार्टियां नूं अलविदा कह के भाजपा विच शामिल हो रहे ने। उन्हां कहा कि इस बार अगली सरकार भाजपा पार्टी दी ही बनेगी। उन्हां कहा कि पंजाब दे वासी पंजाब दी मौजूदा सरकार तो काफ़ी निराश ने क्योंकि पंजाब विच विकास कार्ज नहीं हो रहे। उन्हां शामिल होए नौजवानां नूं पार्टी दे सिर पाओ दे के पार्टी विच ही आउण नूं कहा ते पार्टी विच उन्हां दा बनदा मान सत्कार देण दा आश्वासन दिता। इस दौरान पंजाब भाजपा दे कार्यकारी मैंबर राजीव उप प्रधान जलंधर सुरेंद्र कालिया सकत्तर श्याम लाल विनोद रहेजा पंकज भारद्वाज तो इलावा होर मैंबर भी मौजूद सन। विधानसभा फिलौर दे विच भारतीय जनता पार्टी नूं बहुत बड़ा हुंगारा मिलिया। अज सैकड़े ही नौजवान मानयोग सोम प्रकाश जी कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार उन्हां दे थ्रू उन्हां द्वारा पार्टी का सरोपा पवा के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नौजवानों ने दसिया कि वह आम आदमी पार्टी अकाली दल कांग्रेस इन्हां दे लारियां तो चंगी तरह वाकफ ने हो चुके ने और वह हुण पंजाब दे विच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सरकार देखना चाहते ने और पंजाब दे लोकां ने फैसला कर लिया कि आने वाले 2024 दीआं चोणां दे विच भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करनगे अते 2027 दे विच पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार बनाउणगे और सोम प्रकाश जी दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग अमरजीत सिंह अमरी प्रधान जिला जलंधर देहाती अते कार्यकारनी मैंबर राजीव पांजा जी भी पहुँचे। सो इत्थे बहुत सारे साथी पहुँचे। मैं सारे ही साथियों का अपने वालों उन्होंने जी आया कहना उन्होंने धन्यवाद करदा और जिहड़े स्पैशल जिहड़े मेन साथियों के विचों रमन बसरा जी दीपक जी उन्होंने साथियों ने जिन्होंने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी मैं उन्होंने पार्टी के आने जी आया कहना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। अज गुरुआ विखे बहुत सारे नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी दी नीतियों तो प्रभावित होकर नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉलिसी तो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन्होंने पार्टी बहुत बहुत स्वागत करता। साडे जिला प्रधान अमरी जी इतने के इंचार्ज मंडल प्रधान जी सारे हाजिर ने और मैं इन्हों का स्वागत करता तो आस करता इन्होंने पार्टी में ताकत मिलेगी और सारे रल के देश की एकता अखंडता की राखी लिए काम करेंगे और पार्टी होर प्रफुल्लित करेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है तो लगातार गैंगस्टर वालों लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। देखो ये तो जद की सरकार आई है कुछ कर नहीं सके सिर्फ बदलाव की गल की सी पर जो गैंगवार पंजाब शुरू हुई है कोई सुरक्षित नहीं है लॉ एंड आर्डर का कित ना निशान नहीं है हर एक लोग असुरक्षित महसूस करते हैं कोई भी फिरौतियाँ भी लोगों तो मंगी जा रही मर्डर भी रोज हो रहे हैं। सरकार अमन कानून कायम रखने बुरी तरह फेल हुई है। सरकार ने कहा नशा खत्म करना आम आदमी पार्टी ने कहा देखो नशा तो पहले नालों बढ़ गया हर महल्ले हर गली नशा विकता सरकार को पता है रोज़ फड़िया भी जाता पर सरकार का रोह भी नहीं है सरकार कुछ कर नहीं सकी सरकार की एग्जिस्टेंस ही नहीं है सरकार का डर होना चाहिए और डर नहीं है क्योंकि आप ही कुछ करते नहीं है बाहर दो तीन महीने तो बाहर इलेक्शन से घूमते रहे घूम के इतने वेले हो गए आ गए कि ना उत्ते कुछ मिले ना इतने कुछ होया। हाँ जी जी लतीफपुर जलंधर में जो मकान लोगों ने ढाए देखो नजायज कब्जे हटाने के नाते इन्होंने उन्होंने तो हटाया चाहिए सी को बदलवा प्रबंध पहला करते कब्जे जितने नजायज हटाने जरूरी वो चाहिए आ लेकिन उनका बदलवा प्रबंध करना जरूरी सी जो इन सालों इतने बैठे हो ठंड बाहर बैठे ने बहुत माड़ी फ्लोर भी आवाज़ उठी है बिल्डिंग ढाने की मैनू पता नहीं जानकारी नहीं है बीजेपी देखो स्टेट जिन्हें ढाया उन्होंने करना वो बना के दिन बिल्डिंग अच्छी कहेंगे।